सो हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वेट एक। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस एमडीएम सॉल्यूशन की। क्या होता है ये, क्या जरूरत है इसकी और कैसे इसका यूज दिया जाता है और कौन लोग हैं जो इसका यूज लेते हैं। काफी इन्फॉर्मेशन वाला ये वीडियो होने वाला है और काफी प्रैक्टिकल वीडियो ये होने वाला है, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा, काफी मजा आएगा आपको। और अगर इस वीडियो की किसी को भी जरूरत हो तो उस तक शेयर जरूर कर देना, ये आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के एंड में किस किस को इसकी जरूरत होने वाली है। देखो, बिजनेस एमडीएम सॉल्यूशन में बिजनेस वर्ड आपको ये बताने के लिए है कि एमडीएम सॉल्यूशन की बात यहाँ पे सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए हो रही है, प्राइवेट पर्पस के लिए भी ले सकते हो, लेकिन इसका प्राइमरी यूज किस बिजनेस पर्पस की है। अब चाहे कोई छोटा बिजनेस हो या फिर बड़ा बिजनेस हो, नया बिजनेस हो या फिर पुराना बिजनेस हो, अगर किसी बिजनेस में मैन पावर को रिमोटली कंट्रोल किया जा रहा है या फिर ट्रैक किया जा रहा है तो वहां एमडीएम सॉल्यूशन का यूज होता है। एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझा देता हूं, जिससे आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं किस यूज केस की बात कर रहा हूं और कहां पर एमडीएम सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। आपने WFH यानी कि वर्क फ्रॉम होम वाले एम्प्लॉइज तो देखे होंगे, आसपास आपके मिल जाएंगे, जिनको क्या होता है कंपनी से उनका लैपटॉप मिल जाता है और घर पर बैठ के आराम से वो अपने ऑफिस का काम करते हैं। लेकिन आप उनसे कभी ये कहो कि यार ये जो लैपटॉप ऑफिस से मिला है ना, इसमें कोई गेम डाउनलोड कर ले, जब ऑफिस का काम जब ऑफिस टाइमिंग पूरा हो जाएगा तो गेम खेलेंगे, तो वो सीधा मना कर देगा। कहेगा भाई, पहली बात तो इसमें सब कुछ लॉक्ड है, दूसरी बात कि ऑफिस वाले सब कुछ ट्रैक करते हैं, सीधा पकड़ लेंगे कि मैंने क्या किया। तो इस तरह से कंपनी का डेटा भी सिक्योर रहता है और कंपनी ने जो डिवाइस आपको दिया है वो इसको ट्रैक भी कर पाती है कि हाँ, जो एम्प्लॉय है वो डेडिकेटेड टास्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इसे ही कहते हैं एमडीएम सॉल्यूशन, यानी कि मोबाइल का यूज करके एमडीएम सॉल्यूशन के माध्यम से कंपनी हर चीज अपने एम्प्लॉय की ट्रैक कर पा रही है। तो जहां पर भी आप देखोगे कि कोई एम्प्लॉय या फिर कोई पर्सन मोबाइल लैपटॉप या फिर टैबलेट लेकर घूम रहा है और किसी कंपनी का काम कर रहा है, कंपनीज ने उसे ऐसे ही कोई डिवाइस नहीं थमा दी है, कंपनी सब कुछ ट्रैक कर रही है और ट्रैक कर रही है एमडीएम सॉल्यूशन की हेल्प से। इनफैक्ट कभी एम्प्लॉय को जरूरत पड़ती है ना कंपनी से रिमोटली असिस्टेंस लेने की, तब भी वहां पर एमडीएम सॉल्यूशन काम आता है। रिमोटली कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय को रिमोटली असिस्टेंस मिल जाता है और कई केसेस में तो एम्प्लॉय की भी जरूरत नहीं होती है। आपने मॉल्स वगैरह देखे होंगे, डिजिटल साइनेज डिवाइस काफी जगह आपने खड़ी हुई देखी होगी जिसमें अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्रोडक्ट्स के एड्स आते हैं। ठीक है, अगर किसी मॉल में 50 डिवाइसेस भी रखी हुई ना, तो एमडीएम सॉल्यूशन की हेल्प से उनको रिमोटली मैनेज किया जाता है, हर डिवाइस को एक पर्सन जाके मैनेज नहीं करता है। यानी कि एम्प्लॉइज हो, कियोस्क हो, डिजिटल साइनेज डिवाइसेस हो एक्सेट्रा और कितनी भी हो, सबको एक डिवाइस के जरिए, एक कंप्यूटर के जरिए एमडीएम सॉल्यूशन का यूज लेके ट्रैक किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। तो अब मुझे आशा है कि आपको एमडीएम सॉल्यूशन क्या होता है, किस लिए जरूरत पड़ती है, आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कैसे आप इसका यूज ले सकते हैं। अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी शुरू करने जा रहे हैं या फिर किसी ऐसे बिजनेस में एंगेज हैं कि आपको अपने एम्प्लॉयज को मोबाइल डिवाइस या फिर टैबलेट डिवाइस या फिर लैपटॉप देने की जरूरत पड़ रही है और आप उनकी एक्टिविटी पर नजर रखना चाहते हैं कि हाँ, आपका जो एम्प्लॉय है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, डेडिकेटेड टास्क कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ये सब कुछ अगर आपको ट्रैक करना है, तो एक बहुत ही बढ़िया अमेजिंग सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में देने जा रहा हूं, जिसे आप फ्री में टेस्ट भी कर सकते हैं एंड इफ ऑल गोज अकॉर्डिंग टू यू तो आप सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि बिजनेस पर्पस है तो कोई भी सर्विस आपको फ्री तो मिलेगी नहीं, लेकिन जिस सर्विस के बारे में आपको बताने जा रहा हूं उसको आप टेस्ट कर सकते हैं, 14 डेज का फ्री ट्रायल आपको मिलेगा। चलो मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली शो करता हूं कि कैसे क्या चीज कैसे काम करेगी और कैसे आप एमडीएम सॉल्यूशन यानी कि मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सॉल्यूशन का यूज करेंगे। तो चलो चलते हैं सीधा अपने पीसी में। तो गाइस, हम आ गए यहां पे अपने सिस्टम में और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहां पर एमडीएम सॉल्यूशन का एक टूल मैं आपके साथ यहां पे शेयर करूंगा जो कि अपने आप में एक बेस्ट टूल है जो आपको 14 डेज का ट्रायल भी दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जस्ट आपको कैसे पूरा सेटअप करना होगा, सपोज आपको इस टूल की नीड है और आपको ये चीज देखना चाहते हैं आपकी कैसे वर्क करने वाला है और किस तरीके से इसका पूरा सेटअप होगा वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि किस कंपनी का आप टूल ट्राई कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे सॉल्यूशन आपके पास यहां पे मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, मैं एयरड्रॉइड की बात यहां पे करता हूं। एयरड्रॉइड एक जानी मानी कंपनी है, आप लोग सभी जानते होंगे। airdroid.com पे हम यहां पे चलते हैं। airdroid.com की वेबसाइट पर आपको काफी सारे तरीके के सॉल्यूशन यहां पे देखने को मिलेंगे, लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं इनके airdroid बिजनेस सॉल्यूशन की। ठीक है, airdroid बिजनेस पे आप जाएंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, एक टूल मिलता है अपनी एंड्रॉइड डिवाइस को, यानी कि जितने भी आपके एम्प्लॉइज हैं उनको उनकी जो डिवाइसेज हैं चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो या फिर टैबलेट हो, उनको मैनेज करने का और कंट्रोल करने का। तो यहां पे आप देख सकते हैं सेंट्रलाइज्ड योर एंड पॉइंट डिवाइस मैनेजमेंट और यहां पर आपका फ्री ट्रायल शुरू होता है। बाकी आप प्राइसिंग स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं। किसी भी तरीके की आपकी डिवाइस हो चाहे वो कियोस्क हो, यहां पर आप देख सकते हैं कियोस्क डिवाइस हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया साइनेस डिवाइस हैं, पीसी है, लैपटॉप है, टैबलेट है, इस तरीके की डिवाइस जो हैं वो आप एक सिंगल मशीन से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से आपको इस टास्क को परफॉर्म करना हो मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर मैं अपने अकाउंट से यहां पर आपको इस चीज को एक्सेस करके बताता हूं कि कैसे आप इसको यूज करेंगे। तो जब आप इसको ट्रायल वर्जन में रजिस्टर करेंगे या
फिर अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। हालांकि इसकी ऐप भी है जिसको आप विंडोज में इंस्टॉल करके फिर यूज ले सकते हैं। तो इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके का रहेगा। ओके, सिंपल इंटरफेस है। यहाँ पर आपको ऊपर एंड्रॉइड बिजनेस का यहाँ पर आइकन मिलता है, जिस पर क्लिक करते ही आपका ये होम पेज ओपन रहता है। इसके बाद डिवाइसेज हैं, वर्क बेंच है, ऐप्स है, पॉलिसी एंड कियोस्क है, जियो फेंसिंग है। ये जो फीचर हैं ये आपको इस पर्टिकुलर ऐप के साथ, इस पर्टिकुलर सर्विस के साथ मिलते हैं। बाकी रिमोट सपोर्ट है और चैट नाइट है, ये अलग सर्विसेज हैं इस ऐप की। अब बात आती है कि आप इससे अदर डिवाइसेज कैसे मैनेज करेंगे। जैसे सपोज ये मेरे पास एक टैबलेट है और ये मुझे अपने एम्प्लॉय को देना है, तो मैं इसे किस तरीके से कॉन्फिगर करूँ कि मैं उसकी जो एक्टिविटी है वो ट्रैक कर पाऊँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा टैबलेट है और यहाँ पर आपको ऊपर एक डिवाइस का ऑप्शन मिल रहा है। इस डिवाइस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरी पुरानी डिवाइसेज हैं उनका जो हिस्ट्री है, किस तरीके से उनके साथ काम किया गया है, वो यहाँ पर मुझे शो हो रही है। ओके, मैं यहाँ पर अगर मुझे नई डिवाइस यहाँ पे ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे डिवाइस ऐड कर सकता हूँ, कितनी भी ऐड कर सकता हूँ। ये डिपेंड करेगा मेरे सब्सक्रिप्शन प्लान पे, 10, 100, 1000, जितना आपका एम्प्लॉय मैनेजमेंट है उस हिसाब से आप इसका सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। और टीम से हेल्प भी आप ले सकते हैं, एंड्रॉइड इज अ वेल नोन कंपनी, आप टीम से हेल्प भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नया डिवाइस ऐड करने के लिए, चाहे वो फोन हो, एंड्रॉइड फोन हो, एंड्रॉइड टैबलेट हो या फिर विंडोज पीसी हो, आप उनको कॉन्फिगर करने के लिए सबसे पहले यहां पर डिवाइस एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे। डिवाइस एनरोलमेंट पे क्लिक करने पर ये आपको बताएगा कि आपको अपना डिवाइस कैसे कनेक्ट करना है इस पर्टिकुलर सर्विस के साथ। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने एंड्रॉइड डिवाइस में या फिर जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं उसमें इस टूल को आपको इंस्टॉल करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं एंड्रॉइड आइकन बना हुआ है, तो ये आप एंड्रॉइड के लिए बिज डेमन नाम की एक ऐप अपने फोन में या फिर टैबलेट में इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, जिसको भी आप हैंड ओवर करेंगे उस टैबलेट या फिर फोन में। और मेथड 2 यहां पे दे रखा है अदर डिवाइसेस के लिए। तो मैं यहां पर डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाता हूं, आपको स्क्रीन यहां पे नजर आ जाएगी, और सर्च में जाते हैं और यहां पे हम सर्च में टाइप करेंगे बिज डेमन, ठीक है, ये आ गया है बिज डेमन। जैसे ही मैंने सर्च करा तो यहां पर आप देख सकते हैं एंड्रॉइड बिजनेस डेमन की मेरे पास एक ऐप आ गई है। 4.1 रेटिंग है, यानी कि एक वेल नोन एस्टैब्लिश्ड रेटिंग यहां पे मिल रही है और 10K डाउनलोड्स हैं इस ऐप के। इंस्टॉल कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। ओके, ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्लॉयमेंट कोड और QR कोड, ठीक है। अगर आपको इस डिवाइस से कोई दूसरी डिवाइस कनेक्ट करनी हो तो QR कोड आप यूज़ करेंगे। डिप्लॉयमेंट कोड पे हम चलते हैं और यहाँ पे साइड में स्कैनर का भी ऑप्शन आ रहा है, जिससे हम डायरेक्ट QR कोड स्कैन करके इसको कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप जो नीचे कोड नज़र आ रहा है ना, ये ET3SMU8NX, आप डायरेक्ट यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कोड एंटर कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अगर आप अपने सिस्टम के पास हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, कैमरा को अलाउ करेंगे और QR कोड यहाँ पे आप इस तरीके से स्कैन कर लेंगे। मैंने अपने सिस्टम से QR कोड स्कैन कर लिया है और यहाँ पे मेरे जो टैबलेट है फ्रॉम बाइंडिंग का एक नोटिफिकेशन आया, ओके करूँगा। ओके करने के बाद यहाँ पर जो मेरा टैबलेट है वो मेरे सिस्टम से, जो मेरे पर्टिकुलर डिवाइस है जिससे मैं अपने इस टैबलेट को ट्रैक करना चाहता हूँ, वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ओके, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपने टैबलेट में कंटिन्यू करेंगे। अब सपोज आप यहाँ पर आपके पास 10 एम्प्लॉय हैं तो आप नेम वाइज उनको यहाँ पे उनकी नेम के हिसाब से यहाँ पे डिवाइस क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मैं निखिल करता हूँ, ठीक है, सपोज मेरा एक एम्प्लॉय निखिल नाम का, तो मैंने यहाँ पे उसका नाम दे दिया निखिल, तो यहाँ पे मेरे सिस्टम में निखिल नाम की डिवाइस ही शो होगी। तो उस समय इजीली ट्रैक कर पाऊंगा, ये देख पाऊंगा कि हाँ कौन सी डिवाइस किस पर्सन के पास है और वो अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा। देन इसके बाद यहाँ पर ये परमिशन है जो आप ग्रांट करेंगे, जो आप चाहें वो परमिशन ग्रांट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऐप नोटिफिकेशन भी है, अगर जिसको आप ये डिवाइस हैंड ओवर कर रहे हैं अगर वो कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल करता है तो उसकी भी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑन कर दी हैं, कुछ ऑफ भी है, लेकिन मैं ऑन जो चीज़ें मैं यहाँ पे ऑन करी हैं उनके आधार पर ही मैं आपको बता दूंगा कि इस किस तरीके से वर्क करने वाला है। अब इसके बाद क्या है, अभी जो डिवाइस है आपके सिस्टम में नजर आ जाएगी, डैशबोर्ड पे चलते हैं हम। डैशबोर्ड में यहाँ पे मेरी डिवाइस शो होगी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं निखिल नाम का यहाँ पे एक फोन यहाँ पे शो हो रहा है और ये इस वक्त ऑनलाइन भी है। बाकी की जो डिवाइस है इस वक्त ऑफलाइन है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रही। जितनी भी ऑनलाइन डिवाइस होगी वो यहाँ पे आपको इस ऑनलाइन वाले सेक्शन में शो होंगी, जो ऑफलाइन होंगी वो ऑफलाइन में शो होगी। हो सकता है कि आपकी जो एम्प्लॉयज वो अलग अलग शिफ्ट में काम करते हो, तो जो ऑफलाइन है यानी कि जिनकी शिफ्ट पूरी हो गई है वो ऑफलाइन हो जाएंगे और जो ऑनलाइन है जो इस वक्त काम कर रहे हैं वर्किंग आवर्स में, उनकी डिवाइस यहाँ पे आपको शो करेगी। ओके, अब आपको इस डिवाइस को मैनेज करना है, कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। अगर इसके बारे में डिटेल्स देखना चाहेंगे तो वो आपको इनके बारे में कुछ और भी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, ठीक है, कौन इस डिवाइस का यूजर है वो मिल जाएगा, कौन सा मॉडल यूज उसको दे रखा है या फिर कौन सा मॉडल उसके पास वो पता चल जाएगा, प्लेटफॉर्म कौन सा है, एंड्रॉइड विंडोज है वो पता चल जाएगा। ओके, बैटरी कैपेसिटी कितनी है वो भी पता चल जाएगा, यानी कि 36% बैटरी है, तो आप यहीं से नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो कि भैया बैटरी कम है, इसको चार्ज कर लो, आपके काम में दिक्कत नहीं आए। तो ये सब चीजें आप यहां से कर सकते हो। इसके अलावा यहां पे आपको रिमोटली एक्सेस करने की भी सुविधा मिलती है, यहां पे आप जाएंगे तो रिमोट ऑपरेशन की
यहाँ पे सुविधा मिल जाती है। अगर आपको रिमोटली कैमरा एक्सेस करना है अपने डिवाइस का तो आप यहाँ से कर सकते हो, और कोई डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट यहाँ से वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। ठीक है, व्यू मोड यानी कि आप अपने फ़ोन की स्क्रीन देख सकते हैं। रिमोटली आपको कंट्रोल करना है, आपको यहीं से बैठे बैठे अपनी डिवाइस को यानी कि जो पर्सन है उसकी डिवाइस को कंट्रोल करना है तो रिमोट कंट्रोल का यूज़ लेते हैं। ठीक है, एक फीचर मैं आपको यहाँ पर यूज़ करके बताता हूँ, रिमोट कंट्रोल का काफ़ी अमेजिंग फीचर है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोन की स्क्रीन आ गई है यहाँ पे, और आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं इस तरीके से, देख सकते हैं आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब सपोज इसमें कोई कियोस्क एप्लीकेशन है, उस पर अगर आपके एम्प्लॉय को या फिर आपके कलीग को दिक्कत आ रही है तो आप यहीं से उसको सपोर्ट दे सकते हैं। ओके, क्लोज करने के लिए आप इसको क्लोज कर देंगे। इसके अलावा वर्क बेंच में कुछ आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, एक वर्क फ्लो बना सकते हैं लाइक 20% से नीचे अगर बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाए तो यहाँ पर आपको आपकी तरफ से एक नोटिफिकेशन चले जाए कि हाँ ठीक है भाई बैटरी चार्ज कर, जुगाड़ बनाओ, या फिर कुछ और भी वर्क फ्लोज यहाँ पे बना सकते हैं। अलर्ट एंड वर्क फ्लोज यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं अपने कस्टम वर्क फ्लो। कुछ टास्क आपको यहाँ से देना हो तो वो आप टास्क यहीं से मैनेज कर सकते हैं, सिर्फ क्रिएट टास्क करेंगे तो सीधा आपके एम्प्लॉय के पास नोटिफिकेशन जाएगा। रिपोर्ट आपको जनरेट करनी हो, अलग अलग तरीके की डेटा यूजर्स रिपोर्ट जनरेट करनी हो कि आपका जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है वो कितना डेटा यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, डिवाइस इन्वेंटरी, अकाउंट एक्टिविटी, ये सब तरीके की रिपोर्ट आपको जनरेट करनी हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी अदर जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे आगे आती रहेगी क्योंकि अपडेट आपको लाइफ टाइम मिलती है इसमें। नोटिफिकेशन आपको यहाँ से कुछ सेंड करना हो तो वो आप नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं, अपना नोटिफिकेशन यहाँ से क्रिएट करेंगे। कोई अपडेट हो, ऑफिस मीटिंग की अपडेट हो, कुछ भी अपडेट हो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। कोई फाइल आपको सेंड करनी हो तो आप यहाँ से बल्क में फाइल सेंड कर सकते हैं, आप अपने सिस्टम से फाइल सेंड कर सकते हैं जो आपके एम्प्लॉय के काम आने वाली है तो वो आप यहीं से सेंड कर सकते हैं। तो ये वर्क बेंच हो गया जहां पे आप वर्क रिलेटेड टास्क यहां पे करते हैं। इसके बाद बात करते हैं एप्स फीचर की, जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपने कोई ऐप डेवलप करी हो या फिर क्रिएट करी हो, कोई कियोस्क ऐप हो आपको अपनी डिवाइस तक पहुंचानी है तो आप यहां पे ऐड कर देंगे तो वो आपकी डिवाइस तक पहुंच जाएगी। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सब कुछ यहां से मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, अपनी पर्टिकुलर बिज डेमन की जो अपडेट्स हैं वो भी आप यहां से मैनेज कर सकते हैं। तो ये एप्स का फीचर हो गया। पॉलिसी एंड कियोस्क की बात करें तो यहां पर पॉलिसी और कियोस्क फीचर का मतलब यह है कि अगर आपकी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो पर्टिकुलर रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है तो वहां पर आप एक पर्टिकुलर रूल्स यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि सपोज आपका अगर खुद का एक पर्सनल कियोस्क ऐप है और जब आपका एम्प्लॉय यूज कर रहा हो फोन तो वो कियोस्क ऐप ओपन होनी चाहिए उस पर्टिकुलर फोन में, तो वो रूल आप यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप यहां पे कर सकते हैं और इन सब चीजों का सपोर्ट आपको यहां पे मिल जाता है। आपको अपने एम्प्लॉय की जो लोकेशन है रियल टाइम लोकेशन ट्रैक करनी हो तो वो आप यहां पे कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर अभी मैं ऑनलाइन हूं, मेरा फोन ऑनलाइन है, तो आप जस्ट इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन यहां पे बता देगा, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो यहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन स्टेटस आपको पता चल जाएगा, अगर वो अपनी एप्लीकेशन से या फिर फोन से अवे है, नेट कनेक्ट नहीं है और ऑफलाइन हो जाता है तो आप तुरंत अपने एम्प्लॉय तक रीच कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि यहाँ पे फोन कहाँ है, क्या दिक्कत है। अगर आपको डिवाइस लॉक करनी है तो आप यहीं से उस पर्टिकुलर डिवाइस को लॉक कर सकते हैं। तो ये सब फीचर आपको मिलते हैं MDM मैनेजमेंट के थ्रू, जिसमें आप कंप्लीट ट्रैकिंग यहाँ पे कर पा रहे हैं। और ये तो बिजनेस पर्पस के लिए हो गया, अगर आपको अपने किड्स पर नजर रखनी है ना तब भी आप इस टूल के यूज ले सकते हैं फॉर प्राइवेट पर्पस। तो काफी सारे इसके यूज केस हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो जितने भी आप यहाँ पर बिजनेस ऑक्यूपाइड डिवाइसेस देखते हैं ना तो वहां पर इसी टूल का यूज किया जाता है, MDM टूल यूज किया जाता है। मैं नहीं कह रहा कि एयरड्रॉइड का यूज किया जाता है, काफी सारे ऐसे टूल है जिनका यूज किया सकता है। एयरड्रॉइड की खास बात यह है कि 14 डेज का फ्री ट्रायल आपको ये टूल टेस्ट करने की फैसिलिटी देता है कि किस तरीके से इस टूल के साथ काम किया जा सकता है और क्या क्या किया जा सकता है, ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो गाइस, आई होप कि मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट पर ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। आप इस वीडियो को हर उस पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं जिसको इस तरीके के सॉल्यूशन की नीड हो या फिर किसी तरीके के प्रॉब्लम में फंसा हो और इस तरीके का सॉल्यूशन ढूंढ रहा हो, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। और अगर आपके काम का हो तो आप भी यूज ले सकते हैं। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय।